हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स हैं, जिसमें कि हम लोग टेकिंग आउट कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं, रीग्रुपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे ए क्यूब होगा, तो ए क्यूब प्लस ए बी इंटू वन माइनस टू ए माइनस टू बी स्क्वायर। और ये सेकंड क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर सी स्क्वायर। थर्ड में रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री रूट फाइव है। अब ये देखिए, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, ये तो आपको करते वक्त थोड़ा क्विक ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपका क्यूब है, तो मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और ये ए क्यूब। अब देखिए, वन टू थ्री फोर टर्म है, तो हम लोग दो दो का ग्रुप बना सकते हैं। तो ए क्यूब और टू ए स्क्वायर को मैं साथ में रख लिया, ए बी और माइनस टू बी स्क्वायर को साथ में रख लिया। अब देखिए, ए क्यूब यहाँ है, यहाँ माइनस टू ए स्क्वायर भी है। ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वन नहीं ए बचेगा, और यहाँ देखिए टू बी बचेगा। यहाँ देखिए ए बी है, टू बी स्क्वायर है, तो प्लस बी कॉमन, तो ए माइनस टू बी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए माइनस टू बी यहाँ भी है, ए माइनस टू बी यहाँ भी है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा हम लोगों का, तो एक फैक्टर देखिए हम लोगों को मिलेगा ए माइनस टू बी, और दूसरा फैक्टर देखिए यहाँ ए स्क्वायर और ये प्लस बी। तो इस तरीके से यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब कि एक्सप्रेसिंग द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो एक फैक्टर a माइनस टू बी हो गया, दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर सी स्क्वायर है। यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर टर्म है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए रीग्रुपिंग करते हैं। रीग्रुपिंग करते समय थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ध्यान कैसे देना है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये प्लस फोर सी स्क्वायर कर लें और ये माइनस बी स्क्वायर कर लें, तो देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये जो है, ये ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं है, ये a माइनस टू सी का होल स्क्वायर है और ये देखिए माइनस बी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह पे a माइनस टू सी, वाई के जगह पे b, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक्स के जगह पे ए माइनस टू सी है और वाई के जगह पे बी है, एक फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर एक्स ए माइनस टू सी और ये माइनस वाई मतलब बी। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। पहले को करने में हम लोगों ने रीग्रुपिंग का जो टेक्निक है उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए जो थर्ड है हम लोगों का, उसमें है अंडर रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और ये माइनस थ्री रूट फाइव है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है ट्राइनोमियल है, वन टू थ्री टर्म है, तो मतलब ये कुछ इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, मिडिल टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, कि स्प्लिटेड प्रोडक्ट, स्प्लिटेड जो पार्ट है उसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म के
प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। तो इस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो देखिए मिडिल टर्म कितना है, 2x है। तो अगर हम लोग 2x को लिख दें प्लस 5x माइनस 3x, तो देखिए 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा। 5x इंटू 3x करेंगे साइन के साथ तो माइनस 15x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 5x स्क्वायर इंटू माइनस 3 रूट 5 तो हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। इसका मतलब जो हम लोगों ने स्प्लिटिंग किया है 2x का दो पार्ट में वो सही है। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद चेक जरूर करना चाहिए, ये PQ इक्वल्स टू AC, मतलब B का जो आप दो पार्ट बनाएंगे उन दोनों पार्ट को ऐड करिए तो मिडिल टर्म आना चाहिए, उनको इंटू करिए तो A इंटू C के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी, इस बात का ध्यान दिया जाता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल अब कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक टेट्रानोमियल में। अब दो दो टर्म का पेयर बना लीजिए तो रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3 रूट 5, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में कॉमन रूट 5x, तो यहाँ x बचेगा और ये रूट 5, इनमें 3 कॉमन तो x प्लस रूट 5। अब हम देख रहे हैं कि x प्लस रूट 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन निकाल लें तो एक फैक्टर ये हो गया x प्लस रूट 5। अब देखिए दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है तो अंडर रूट 5x है और ये माइनस 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।